नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिन सिंह पालेवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड उपचुनाव की सूची जारी, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए सूची जारी, लिस्ट में सीएम धामी का भी नाम शामिल। बता दें कि तमाम बड़े नेताओं का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको बता दूं कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने यह सूची जारी की है। वहीं जारी सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले है। साथ ही बता दूं कि स्टार प्रचारकों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, सांसद नरेश बंसल, अजय टमटा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई नाम शामिल हैं। बता दें कि उत्तराखंड में दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, जिनमें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट शामिल है। और इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दूं कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आलोक, उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, साथ ही साथ खास बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड की दो लोकसभा सीट पर और इसके तहत भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी की है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक इन दोनों विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज चेहरे, चाहे हम दो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक की बात कर लें, या फिलहाल मौजूदा सांसदों की बात कर लें, या राज्यसभा सांसद या लोग जो इस वक्त राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, उनकी अजय टमटा जो है उनकी बात कर लें, और कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान इन दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। साफ तौर पर भाजपा का कहना है कि ये जो दो विधानसभा सीटें हैं इन पर पूरी तरह से भाजपा जो है अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, और दोनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल भाजपा जीत दर्ज करेगी। हालांकि बीजेपी का प्रचार प्रसार किस हद तक कामयाब साबित होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी जी, आपसे गुजारिश है कि आगे की खबरों पर भी आलोक आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि राज्य सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 4 मैदानी जिलों के 40 स्थानों पर यह सिस्टम लागू करने पर सहमति दे दी है। सरकार ने कहा है कि मजबूत सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रहे लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। वहीं प्रदेश के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 40 चेक गेटों पर MDTSS लगाया जा रहा है। आपको बता दूं जिसमें करीब 93 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वहीं अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए MDTSS को देहरादून के 8, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 और उधम सिंह नगर के 9 चेक गेटों पर लोकेशन स्थापित किया जाएगा। साथ ही बता दूं कि खनन गतिविधियों की सख्त निगरानी के लिए बुलेट कैमरा, ANPR कैमरा, RFID रडार और LED फ्लडलाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमांड सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। और देखिए, अवैध खनन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार अब लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में ये पूरा जो स्टेप है ये सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल लगातार हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। आलोक, राज्य सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठा रही है, और इसी कड़ी में अब फैसला लिया गया है कि सर्विलांस लगाए जाएंगे 4 जिलों के 40 चेक गेट पर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो खनन है, अवैध खनन
उत्तराखंड शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमेशा से उभरा है। और इसकी रोकथाम के लिए फिलहाल शासन प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो ये है कि 4 जिलों में 40 चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, जिसमें इन सभी अवैध खनन करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 4 जिले होंगे जिसमें 40 बैरिकेड स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ सर्वेलेंस भी इस दौरान की जाएगी और सर्वेलेंस के माध्यम से सभी अवैध खनन वालों पर नजर रखी जाएगी। कितना कारगर ये साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये 4 जिले ही हैं जिसमें सबसे ज्यादा अवैध खनन देखने को मिलता है। और यदि शासन प्रशासन का ये जो फैसला है ये कहीं कामयाब साबित होता है तो उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक भी लगाई जा सकती है। जी जी, आपसे गुजारिश है कि लगातार आप खबरों में आगे भी बने रहिए हमारे साथ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी आज नामांकन करेंगे। नामांकन के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि नामांकन के बाद गोपेश्वर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार संवाददाता आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी नामांकन भरेंगे, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि नामांकन को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? आलोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए माफी चाहेंगे, संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दूं कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी आज नामांकन करेंगे। नामांकन के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। और एक बार फिर खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसे में नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं दर्शकों को बताएं। माफी चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिनमें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट शामिल है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम दिग्गज नेता इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि नामांकन के बाद गोपेश्वर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दूं कि नामांकन के बाद गोपेश्वर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ नामांकन प्रक्रिया में सीएम धामी भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दूं कि नामांकन के पश्चात गोपेश्वर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मौके पर तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। खबर पौड़ी से है। पौड़ी जिले के सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के जुखणी गांव के सिविल क्षेत्र में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की नजरों में मजार न आने के कारण मजार पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। वहीं सिविल भूमि पर बनी मजार की सूचना जैसे ही प्रशासन टीम को मिली, प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर डाला, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि प्रशासन को सरकारी भूमि पर कड़ी नजर रखनी होगी, जिससे कि इस पर अवैध मजार सरकारी भूजा पर ना बन पाए।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कुलदीप, पौड़ी जिले के सरकारी भूमि पर अवैध मजार बनने का सिलसिला लगातार जारी है और अब इसी को लेकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकारी भूमि पर मजार बनाई जा रही थी, अब सरकारी जो पीला पंजा है इन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले की मैं बात करूं तो इससे पहले भी कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने इन्हें ध्वस्त करने का काम भी किया है। जो बीरोखाल क्षेत्र में कुछ लोगों की जानकारी में आया था कि जो सरकारी भूमि है उस पर ये मजार बनाई गई है, जिसके बाद प्रशासन को इसकी भनक लगी और प्रशासन ने तत्काल इस पर प्रभाव करते हुए इसे तोड़ दिया है। फिलहाल जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से सरकारी भूमि में अवैध अतिक्रमण जो लोग भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। टिहरी जनपद के घनसाली स्थित रौसाल गांव में आंधी से एक गरीब महिला के घर की छत तूफान में उड़ गई। जी हां, भीषण गर्मी के चलते जहां लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं बारिश की जगह आया तूफान घनसाली में एक गरीब परिवार को बेघर कर गया। दरअसल घनसाली बाजार से सटे रौसाल गांव में विमला देवी का परिवार दो बहुओं और अपने पोतों के साथ टीन सेट में रहता था। वहीं लेकिन बुधवार को अचानक मौसम ने करवट ली तो लगा कि अब तक नाराज रहे इंद्रदेव शायद अब मेहरबान हो गए हैं और अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन बारिश तो बूंदाबांदी में ही सिमट गई, लेकिन बूंदाबांदी से पहले आए तेज तूफान ने गरीब परिवार को जरूर बेघर कर दिया। ऐसे में पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। और देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टिहरी जनपद के घनसाली स्थित रौसाल गांव में आंधी आने के बाद की हैं, जहां एक परिवार का शामियाना टूट गया। आंधी आने की वजह से परिवार के घर की छत उड़ गई। वहीं अब परिवार लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। रुद्रपुर में कबूतरबाजी के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर के आवास विकास स्थित यूनिटेक ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन पार्टनर के नाम से किया गया, जिसमें मेट्रोपोलिस सोसाइटी में रहने वाले गुरमुख सिंह ने श्रीरामपुर दिनेशपुर के रहने वाले पुन्नू मंडल से उनके बेटे रोहित मंडल को विदेश भेजने के नाम पर 5 लाख की ठगी की गई। पीड़ित पुन्नू मंडल के अनुसार पूरी डील 11 लाख में हुई है, जिसमें 5 लाख काम होने से पहले और बाकी का 6 लाख काम होने के बाद देना तय हुआ। वहीं पीड़ित पुन्नू मंडल ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए अपने घर पर लोन भी लिया, लेकिन पिछले 1.5 साल से ना ही पुन्नू मंडल का बेटा रोहित विदेश जा पाया और ना ही गुरमुख सिंह ने पुन्नू मंडल के 5 लाख वापस दी तो बस तारीख पर तारीख, जिसको देखते हुए रुद्रपुर SP सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि जल्द ही इस गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा, जो कि विदेश जाने के पास पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। और बता दें कि लगातार विदेश जाने के नाम पर लाखों की ठगी प्रदेश में की जा रही है। मामले की कार्यवाही में पुलिस जुट चुकी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा, जो कि विदेश जाने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रही है। बता दें कि रुद्रपुर में कबूतरबाजी का एक नया मामला सामने आया है, जहां विदेश जाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। पूरे मामले की कार्यवाही में पुलिस जुट चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से ना ही पुन्नू मंडल का बेटा रोहित विदेश जा पाया है और ना ही गुरमुख सिंह ने पुन्नू मंडल के 5 लाख वापस दिए हैं। दीद है तो बस तारीख पर तारीख, जिसे देखते हुए रुद्रपुर SP सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि जल्द ही इस पूरे गैंग का, इस पूरे सरगना का पर्दाफाश किया जाएगा। द्वाराहाट में हल्की बारिश के फुहारों के साथ तेज आंधी चली, जिससे कई पेड़ धराशाही हो गए। पेड़ों के गिरने से द्वाराहाट दूनागिरी द्वाराहाट कौसानी मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई पर्यटकों सहित स्थानीय यात्री जाम में फंस गए। आपको बता दूं कि पेड़ गिरने की खबर थाना द्वाराहाट को दी गई।
खबर मिलते ही पुलिस टीम, आपदा प्रबंधन, सामान सहित मौके पर पहुंच गई। साथ ही मौके पर पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया और गिरे पेड़ों को काट कर जेसीबी की मदद से हटाया गया, जिससे मार्ग खोला जा सके। बता दें कि आंधी से एक स्थान पर ही नहीं बल्कि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिस कारण कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पुलिस के जवानों और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी से मार्ग खोला और पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने पुलिस के जवानों का आभार व्यक्त किया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बिजली घर में इनकमिंग सर्किट ब्रेकर उपकरण खराब होने पर देर रात से दिनेशपुर नगर की बिजली बाधित है। जी हां, भीषण गर्मी के चलते लोग रात भर परेशान रहे, तो इधर बिजली विभाग की पूरी टीम युद्ध स्तर पर खराब हुए उपकरण को सही करने के लिए रात भर लगी रही और विद्युत कर्मचारी अभी भी कार्य में जुटे हुए हैं। इस दौरान विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर अफसान अली ने कहा कि बिजली घर में इनकमिंग सर्किट ब्रेकर कल रात्रि को अचानक ब्लास्ट हो गया था, जिसको सही करने के लिए युद्ध स्तर पर बिजली विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। जल्द ही टाउन की लाइन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर अल्मोड़ा के बिनसर से है, जहां वन्यजीव विहार में हुई वनाग्नि घटना के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की ओर से गढ़वाल मंडल के सभी डीएफओ से वन कर्मियों के इंश्योरेंस को लेकर जानकारियां ली जा रही हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार ने बताया कि इन दिनों जिस तरह से आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि वे अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि ढंगारी वाले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ आग बढ़ती है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी आग की चपेट में ना आए, इसको लेकर भी सभी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटना घटी है, उसे सभी लोगों में दुख है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी वन कर्मी के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर सभी लोगों को विशेष हिदायत दी गई है। वही निर्देश दिए गए हैं कि जो अनुभवी लोग हैं उनको फ्रंट वॉरियर के तौर पर रखा जाए। इसके साथ ही सभी डीएफओ से जानकारी ली जा रही है कि उनके वन कर्मियों का इंश्योरेंस हुआ है या नहीं। यदि जिन भी डीएफओ ने वन कर्मियों का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द करवा कर सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही आपको बता दूं, सहायक वन कर्मचारी संगठन पौड़ी ने अल्मोड़ा की घटना पर दुख जताया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।